Hello friends, welcome back to our channel Sales Talk. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वीक है फ्राइडे को छुट्टी था महाशिवरात्रि का, इसकी वजह से अभी जो ये वीक था थर्सडे को ही ख़त्म हो गया था. तो अभी हम नेक्स्ट वीक जो आएगा जो कि 11 तारीख से चालू होगा उसके लिए हम हमारा एनालिसिस करेंगे. तो अगर आप देखते हैं तो लास्ट वीक जो ख़त्म हुआ था उसमें PSU बैंक, ESC एंड फार्मा इंडेक्स, ये इंडेक्सेज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखाए थे. और जो वीक सेक्टर्स थे वो थे मीडिया, स्मॉल कैप 100 और IT सेक्टर. तो जैसे कि आपको पता है हम ये जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है इनमें स्टॉक को स्कैन करते हैं और उसमें से हमारे लिए नए वीक में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं. तो फ्रेंड्स अभी ये जो 3 सेक्टर्स है इनमें से जो भी स्टॉक्स हमने स्कैन करके निकाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ आपके कमेंट्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल सके. तो हम अभी चार्ट पे जाते हैं और इस सेक्टर से जो भी स्टॉक्स हमने स्कैन करके निकाले हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो पहला जो था वो PSU बैंक था और उसमें जो स्टॉक है पहला PNB है. तो हमने PNB इसलिए निकाला है तो हम देख सकते हैं कि ये PNB का वीकली चार्ट है और इसमें अगर आप देखते हैं तो ये एक इसका ब्रेकआउट लेवल था. अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था ऑलमोस्ट 2019 यानी ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का ये ब्रेकआउट है. और ये ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक यहाँ पे दे चुका है. अगर आप देखते हैं तो 35% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है. तो इसको हमने अभी एनालिसिस के लिए निकाला है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था इधर 2017 के आसपास एक बार यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया था और फिर इसका ब्रेकडाउन आया तो काफ़ी अच्छा नीचे आया था. तो ये जो था ये लाइन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है. तो इसके लिए हम अभी इसके पास ये ट्रेड हो रहा है इसके लिए हमने अभी इसको निकाला है. और आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर गया था फिर इसने सेलर्स ने इसको नीचे लाने की ट्राई किया लेकिन बायर्स फिर से इसमें हावी हो गए. फिर से एक बार ट्राई किया फिर से अभी बायर्स इसमें एक्टिव है तो इसके लिए हमने इसे अभी निकाला है. तो इस पर हम एनालिसिस ऐसा कर सकते हैं अगर ये स्टॉक जो है ये जो लेवल है अभी का जो कि 133-132 का लेवल है इसके अगर ऊपर निकलता है तो हम इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जाएगा वो ये स्विंग के नीचे आएगा जो कि थे 118 रुपये. तो हमारा जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट आता है 10% के आसपास का. और हमारे पास अगर ऊपर स्कोप है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हमारे पास ऊपर स्कोप है जो कि अगर हम ये भी पकड़ते हैं तो 164 तक हम यहाँ पे रख सकते हैं. तो आप देखेंगे कि अगर हम 164 भी टारगेट करते हैं 24% और 30% के टारगेट के लिए हम इसमें वेट कर सकते हैं. तो ये था PNB के लिए हमारा एनालिसिस. अभी नेक्स्ट स्टॉक जो था PSU बैंक से वो था बैंक ऑफ इंडिया. तो ये जो है ये बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, वीकली चार्ट आपके पास है, निकाल देते हैं. अगर आप देखते हैं तो इसने भी काफ़ी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया था और उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था. और अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल था जो कि 134 के आसपास था. तो ये सपोर्ट के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट बार इधर फिर से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया फिर से सेलर ने इसे नीचे लेने का ट्राई किया लेकिन फिर से बायर इसमें एक्टिव हो गए हैं. तो सेम ये जो लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल होगा 134 के नीचे. और हम इसमें ये लेवल अगर है 148 या 150 हम राउंड फिगर भी पकड़ते हैं तो उसका
लेवल के ऊपर जाने के बाद हम इसमें नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, और हमें जो टारगेट मिलेगा वो है पहला 170 का, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 15-20% के लिए स्कोप है ऊपर। तो 15-20% के लिए हमें ऊपर स्कोप है, और अगर हमारा स्टॉप लॉस देखते हैं तो आता है ये लेवल का ऑलमोस्ट उतना ही 12% के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा आता है। तो ये था हमारा बैंक ऑफ इंडिया के लिए एनालिसिस। हमारा दूसरा जो है वो है पीएससी सेक्टर, और उसमें से जो स्टॉक है वो है ONGC। तो ये ONGC का अभी ये है वीकली चार्ट, अगर आप देखेंगे तो इसको भी हमने सिलेक्ट किया है, ये अभी ब्रेकआउट के पास आ रहा है स्टॉक। दिस इज इट ब्रेकआउट लेवल, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी पुराना ब्रेकआउट है 2014 के आसपास का, तो 10 साल का ब्रेकआउट ये देगा। तो ये लेवल के ऊपर निकलने के बाद 291 के बाद हम इसमें नई बाइंग कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा इसमें हम गेन देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया, तो ये कोल इंडिया का स्टॉक है, इसका भी देखेंगे यही राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अगर आप देखते हैं 2015 यानी ऑलमोस्ट 9 साल का ये भी कफ है, और इसके बाद इसका एक फीचर देखिए, ये ऊपर गया था, सेलर ने इसको नीचे लाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से इसमें बायर अभी एक्टिवेट हुए हैं। तो ये लेवल निकलने के बाद यदि 465 है, ये निकलने के बाद हम इसमें फिर से नया बाइंग कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा, जो कि लेवल है 430 के आसपास का। तो ये तो था हमारा कोल इंडिया के लिए एनालिसिस। अब हमारा जो थर्ड सेक्टर था, जो था फार्मा सेक्टर, उसमें से हमने अगर स्टॉक निकाले हैं तो वो है ग्लेनमार्क फार्मा। तो अगर आप देखते हैं तो ये ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट है, ये भी देखिए 2017 ऑलमोस्ट 7 साल का ये भी कप बन रहा है, और यहाँ पे कप विथ हैंडल भी है, ये एक छोटा सा हैंडल यहाँ पे बना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लेवल निकलने के बाद, जो कि 955 का भी क्लोज है, इसका जो हाई है 964 निकलने के बाद हम इसमें बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे आ जाएगा, 900 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा इसमें वो तो काफ़ी बड़ा टारगेट आएगा। अगर हम इसको जनरली इसको अगर ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अपना नया टारगेट बन सकता है, जो कि ये कप का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम अब ये जो हाई लेवल है यहाँ तक प्रोजेक्ट करके इसको ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है। तो ये हमारा टेक्निकल टारगेट निकल गया, लेकिन फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि ऑलमोस्ट ये लेवल अगर हम पकड़ते हैं 1200 का आसपास, तो वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इस पर 30% के आसपास का हमारा 25-30% के आसपास का हमारा रिटर्न मिल सकता है। यह है ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट। देन नेक्स्ट जो है वो है बायोकॉन। तो ये बायोकॉन का चार्ट है, इसको एनालाइज करने के लिए हम अगर देखते हैं तो ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे ये एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न इसने बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है हमारे लिए इस स्टॉक को नीचे के लेवल में खरीदने का। अगर आप देखते हैं तो फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्टॉक को हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 258 का स्टॉप लॉस है या 255 का हम स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीद सकते हैं, ये लेवल निकलने के बाद, जो कि है 290 के आसपास का, और हम इसमें फर्स्ट टारगेट जो है वो 358 के लिए हम इसको रख सकते हैं, और बाद में जो कि 25% है नेक्स्ट ये टारगेट आ सकता है, जो कि 36% का है, और लास्ट टारगेट अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास के हम इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।